माशाल्लाह काफी लोग आ गए अफ्तारी पर। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत दे, अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम फैमिली को खुश आबाद रखे। और आज एक प्यारी सी नई सी सुबह का आगाज शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह आज जो भी डेली की रूटीन होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हाँ जी, तो रात मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी, मोबाइल बंद हो गया था, ऑफ हो गया था, तो चार्जर ही मेरे पास नहीं था तो मैं चार्ज नहीं कर सका और सुबह सैरी भी नहीं दिखाई। चलो ठीक है, मैं अभी चलता हूँ घर, सही है, कोई चीज़ ज़रूरत हो मुझे बता देना, ठीक है ना, कॉल कर देना। क्यों हंस रही हो? रोजा लगा हुआ है? ओके बाय। मैंने जाना है सब्जी मंडी और वहाँ से फ्रूट लाने, आज अफ्तारी करानी है ना बाहर, ठीक है, तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, जुमा नमाज के बाद या अफ्तारी के बाद ही मैं फिर मैं आऊँगा, ठीक है ना। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं इधर से ले के दे, सब चीज़ पूरी है। और रात के टाइम ना मैं अपना चार्जर घर भूल गया था और यहाँ पर मेरा चार्जर नहीं था और शहरी के टाइम मैं अपना व्लॉग भी शूट नहीं कर सका और सुबह मैंने अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगाया तो थोड़ा बहुत मेरा मोबाइल चार्ज हुआ। ये तो मैं सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद वापस घर आ गया हूँ और अभी रमज़ान और मैं हम दोनों जा रहे हैं रवात में ना, वहाँ पर फ्रूट मंडी लगती है, सब्ज़ी मंडी भी, तो वहाँ से अच्छा फ्रूट मिलता है। इरफान भाई को मैंने फ़ोन किया था तो इरफान भाई ने कहा कि आप आ जाएं, हम साथ ही चले जाएंगे, तो अभी इरफान भाई भी वेट कर रहे हैं, तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं तो जल्दी से फ्रूट लेके आते हैं, फिर जुमा नमाज़ का टाइम भी हो जाएगा और बच्चों की छुट्टी का टाइम भी हो जाएगा, तो बस ये काम जल्दी से करके आते हैं। चलें चलें जी। अभी हम जा रहे हैं खुफिया रास्तों से और ये रास्ते बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत हैं और जिस रास्ते से हम अक्सर जाते हैं ना, अब उस रास्ते से नहीं जा रहा, अब नया रास्ता मैं ट्राई कर रहा हूँ। अब मैं नए रास्ते से जा रहा हूँ गीगा मॉल की तरफ, ये रास्ता ट्राई करता हूँ कि ये रास्ता मुझे कहाँ तक ले जाता है। और व्यू देखें कितना प्यारा है, ये कोई नया इलाका है, ये भी बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत है और इस इलाके में भी काफ़ी ज़्यादा हरियाली है। दरख्तों की कटिंग कितना अच्छे तरीके से की हुई है और कितना प्यारा और ख़ूबसूरत लग रहा है। अरे वाह भाई, ये रास्ता तो मुझे सीधा गीगा मॉल ले आया है। तो ये रहा गीगा मॉल और हम गीगा मॉल भी पहुँच गए हैं इतना जल्दी। रमज़ान शरीफ का एंड होने वाला है तो गीगा मॉल को भी प्यारा और ख़ूबसूरत सा सजाया हुआ होगा, कभी आएंगे यहाँ पर चक्कर लगाएंगे और चांद रात से पहले पहले हम आएंगे गीगा मॉल का विजिट करेंगे। अभी हम पहुँच गए हैं रवात सब्जी मंडी और फल मंडी, तो इरफान भाई हमें लेकर आ गए यहाँ पर, तो चले इरफान भाई। अच्छा, ये नई मंडी अभी बनी है और ये पक्की बनी है, पीर बदाई वाली सारी मंडी इधर ही आ रही है। चले हम लोग यहीं पर ही आया करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी चलते हैं और फलों का रेट भी पूछते हैं कि क्या है। और यहाँ पर खरबूजा भी अच्छा आया हुआ है, पूरी लाइन में फलों के स्टॉल लगे हुए हैं, इस तरफ फ्रूट हैं और उस तरफ जो है सब्जी है, तो ये बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत इलाका है, सब टावर रेडियो के लगे हुए हैं। तो यहाँ से फ्रूट ले लिया है और इरफान भाई भी वापस जा रहे हैं, उनको उनकी ड्यूटी है तो वो ड्यूटी पर जा रहे हैं और गाड़ी में सारा फ्रूट रख दिया है। वहाँ से प्याज लिए, प्याज ले लिए, ये कहाँ ये फ्रूट लेने के बाद खजूर वाले के पास आ गए और यहाँ से खजूर ले रहे हैं। खजूर इस तरह की आई हुई है, ये देखें, और ये वाली खजूर हमें पसंद आई है, रोज़ा अफ्तारी के लिए खजूर। ये वाली कैसे दे रहे हैं? 800। और ये रवात शहर है और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा रश होता है, लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पर सामान लेने के लिए। और ये इलाका भी काले पुल की तरह लग रहा है, जैसे कराची में काला पुल था ना, ये भी वैसे ही लग रहा है। गए थे फ्रूट मंडी, फ्रूट मंडी से जो गर्मा वो नहीं मिला, कराची में तो आम है, वहाँ तो हर जगह से मिल जाता है और यहाँ पर गर्मा जो है ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ से मैं अक्सर ले जाता हूँ इस फ्रूट वाले से, तो अब अंदर जाके देखता हूँ कि इसके पास है या नहीं है। और सामने भी फ्रूट वाला है, उसके पास भी मुझे नज़र आ रहा है, तो मैं अपनी सोसाइटी में आ गया हूँ और यहाँ से मैंने गर्मा ले लिया और गर्मा यहाँ पर मुझे मिल गया आसानी से। और ये गर्मा जो है आम की तरह होगा, अंदर से जब इसको काटेंगे तो आम की शक्ल का ही होगा। और सब्ज़ी मंडी से भी लेके आए थे फ्रूट और यहाँ से भी थोड़े थोड़े फ्रूट ले लिए। फ्रूट लेने के बाद हम वापस घर पहुँच गए और ये सारा फ्रूट जो है इस गाड़ी के अंदर रखना है और फिर बच्चों को लेने के लिए स्कूल जाना है। चले रमज़ान, ये सारा फ्रूट उठा के ना इस गाड़ी में रखते हैं। तो मैं नहा के कपड़े चेंज कर लिया और जुमा नमाज के लिए मैं रेडी हो गया हूँ। मुस्तफ़ा जो है वो कपड़े चेंज कर रहा है, तो बस अभी हम यहाँ से निकलते हैं नमाज के लिए। मुस्तफ़ा जाए नमाज ले लें, नीचे आएगा, मिल गए, चलो आ जाए जल्दी से।
तो अभी हम जा रहे हैं जुमा नमाज पढ़ने के लिए। तो सब लोग भाग भाग के जा रहे हैं क्योंकि खुतबा शुरू होने वाला है और हमें बाहरी जगह मिल जाएगी आज। तो अभी हम जुमा नमाज पढ़ने के बाद वापस घर पहुंच चुके हैं और मुस्तफा को यहीं पर घर पर ड्रॉप करना है। तो फिर मैंने जाना है स्टोर पर कुछ सामान लेने के लिए। तो मुस्तफा आपको कुछ चाहिए? टैंक चाहिए, ऑरेंज वाला। टैंक के तो दीवाना है भाई। मैंगो या ऑरेंज? ऑरेंज ऑरेंज। चलो आप जाएं फिर मैं लेके आता हूँ। तो मैंने स्टोर से शॉपिंग कर ली, नेगर से ले लिया और ये चटपटा भी ले लिया, टैंक भी ले लिया, जामिशीरी, बेसन, चीनी सब कुछ ले लिया। तो मैं सामान लेने के बाद वापस घर पहुँच गया हूँ। तो अफ्तारी का दस्तखान लग चुका है। रोज़ अफ्तारी में तकरीबन 15-20 मिनट रह गए और माशाल्लाह काफ़ी लोग आ गए अफ्तारी पर। माशाल्लाह दस्तखान को भी बड़े अच्छे तरीके से सजाया गया फ्रूटों से और चावल से। और इरफान भाई जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करा रहे हैं। हम सभी गए थे रोज़ा अफ्तारी कराने के लिए। तो रोज़ा अफ्तारी करने के बाद वापस घर आए और यहाँ पर मैंने रेस्ट किया। तो रेस्ट करने के बाद अभी मैं जाता हूँ अपने सेकंड हाउस, वहाँ पर कौसर और उनकी अम्मी वहीं पर हैं। तो अब मैं वहीं चलता हूँ और सैरी भी वहीं करूँगा और सुबह इंशाल्लाह आऊँगा वापस। अल्हम्दुलिल्लाह से अफ्तारी जो है वो अच्छे तरीके से हो गई थी और काफ़ी लोग आए थे और हमारा दस्तखान जो है वो भर गया था आवाम से। तो शुक्र है अल्लाह का कि बेहतरीन तरीके से हो गया। और अफ्तारी करने के बाद बारिश भी शुरू हो गई थी और बाहर बारिश भी काफ़ी तेज़ हो गई है, ये देखें। और इतना ज़्यादा बारिश हो रही है आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। तो बस अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ, बारिश जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। और ये देखें कितना ज़्यादा तेज़ हो गई बारिश। रास्ते में तो इतना तेज़ बारिश हो रही है, अब जब आगे तक जाऊँगा तो देखते हैं कि आगे कितना बारिश हो रही है। जैसे मैं घर से निकला हूँ तो काफ़ी ज़्यादा बारिश तेज़ थी और अभी आगे जाऊँगा तो देखते हैं कि आगे बारिश है या नहीं है। कल भी ऐसे ही था और मेरा जो दूसरा घर है वहाँ पर बारिश नहीं थी और यहाँ पर बारिश थी। तो अभी जा रहा हूँ तो देखते हैं कि कहाँ तक ये बारिश है। बारिश देखें कितना ज़्यादा तेज़ है, वेपर मैंने फुल ऑन किए हुए हैं। आज तो बारिश ने ना रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है, इतना ज़्यादा तेज़ हो रही है। और जैसे घर के पास पहुँचा तो यहाँ पर बारिश स्लो हो गई है बिल्कुल। और मैंने कौसर को फ़ोन कर दिया है कि दरवाज़ा खोले क्योंकि बारिश हो रही है ना। अभी बारिश वैसे स्लो हो गई है, इतना ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही जैसे रास्ते में हो रही थी उतना नहीं है। और गाड़ी से सामान भी निकाल लेता हूँ। ये बाल्टी मैं चेंज करा के लाया था क्योंकि बाल्टी जो थी ना वो पहले स्टील की लाए थे तो वो ख़राब थी। आपने तो बारिशें कराई हुई हैं, क्या हुआ नींद आई हुई थी? हाँ ये लो सामान अपना। क्या? वो बाल्टी चेंज करा के लाया और इसमें बेसन भी है और टैंक भी है। ठीक है पकड़ पकड़ बोलो गिर ना जाए। चलें दरवाजे को लॉक कर देते हैं। अरे ये मैट भी गीला हो गया, इसको बंद करते हैं। और ये वाला डोर भी, चलें ये तो लॉक है, यहाँ से लॉक कर लेते हैं। तो चलें जी मैं वापस घर आ गया हूँ। और आज के व्लॉग आपको कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ मिलूंगा कल। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।